Assalamualaikum everyone, it's Aliza from Pakistan Administrative Service for 10th position in CSS 2023. आज हमें जिस चीज़ के ऊपर बात करनी है वो ये है कि CSS में एक सब्जेक्ट हमें 200 मार्क्स का रखना होता है, उसमें से यूजली या हम पॉलिटिकल साइंस रखते हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस रखते हैं। तो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए इसके ऊपर हम बात करेंगे, एंड इन माई ओपिनियन देर आर फोर थिंग्स दैट यू नीड टू नो। उसमें सबसे पहली तो ये है कि सिलेबस देखें आप सब्जेक्ट का, उसकी लेंथ कितनी है। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस या IR का सिलेबस अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट दोनों की लेंथ बराबर ही है। पॉलिटिकल साइंस में फ़िलासफ़र्स आ जाते हैं, IR में आपके पास थियरीज वगैरह आ जाती हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर, एंड दैट इज़ स्कोरिंग ट्रेंड। अगर आप स्कोरिंग ट्रेंड में देखें ना, तो पास्ट ईयर में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। पहले पॉलिटिकल साइंस काफ़ी अच्छा स्कोर देती थी, लेकिन 2-3 सालों से वो एवरेज स्कोर दे रही है। इसी तरह से आप IR को देखें तो 2-3 सालों पहले IR एवरेज स्कोर देती थी, लेकिन इन्हीं 2-3 सालों में IR बहुत अच्छा स्कोर दे रही है। तीसरी चीज़ आ जाती है कि नेचर ऑफ सब्जेक्ट क्या है। उसमें अगर आप पॉलिटिकल साइंस को देखें तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं जिनकी क्रैमिंग साइड ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसमें फ़िलासफ़र्स वगैरह हैं जिनको आपको ज़्यादा अच्छा क्रैम करना पड़ेगा ताकि आप एनालिसिस कर सकें वहाँ पर। इसी तरह से जिन स्टूडेंट्स की एनालिसिस साइड अच्छी है, उन स्टूडेंट्स को मैं ये रिकमेंड करूँगी कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस रखें, क्योंकि वहाँ पर अगर आप एनालिसिस करेंगे, आपकी एनालिसिस साइड ज़्यादा अच्छी है, एनालिसिस करेंगे वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे और ज़्यादा अच्छा स्कोर ले सकेंगे। द फोर्थ थिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो फॉर दिस, और वो है ओवरलैपिंग ऑफ सब्जेक्ट। अगर आप पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखें तो उसकी ज़्यादा ओवरलैपिंग करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर से हो रही होगी, लेकिन IR की ओवरलैपिंग काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट से हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे के 5 साल के पेपर देखें तो उसमें एक टॉपिक जो है वो IR से रिलेटेड उसने पूछा होगा, तो अगर आप IR अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एक जो ऐसे का टॉपिक है वो कवर हो जाता है। इसी तरह से आप देखें कि IR में हम वर्ल्ड वॉर्स को कवर करते हैं, और यही वर्ल्ड वॉर्स हम हिस्ट्री ऑफ अमेरिका में भी पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री ऑफ अमेरिका के लिए आपको सेपरेट वर्ल्ड वॉर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर IR आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। इसी तरह से पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर में हमने कुछ टॉपिक्स कवर करने होते हैं, जैसे कश्मीर इशू है, जैसे पैलेस्टीन इशू है, इंडो पैसिफिक रीजन में पॉलिटिक्स क्या है, ये सारे टॉपिक्स हम दोनों सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा ये टॉपिक्स हम IR में भी पढ़ते हैं। तो IR में करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर के लिए इनको सेपरेटली प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और सब्जेक्ट है जिसकी ओवरलैपिंग IR से काफ़ी है, वो ये है कि जेंडर स्टडीज़। IR में हम कुछ थेरीज़ वगैरह पढ़ते हैं, जैसे मॉडर्नाइजेशन थेरी है, डिपेंडेंसी थेरी, वर्ल्ड सिस्टम थेरी, उसके अलावा ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक भी है, और यही सारे टॉपिक्स हमारे जेंडर स्टडीज़ में भी हैं। तो अगर आप IR में इनको अच्छे से कवर कर लेंगे तो जेंडर स्टडीज़ में इनको समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप इन 4 पॉइंट्स को देख लेते हैं तो आपके लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी कि हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस रखना चाहिए या इंटरनेशनल रिलेशंस रखना चाहिए। थैंक यू।